अस्सलाम वालेकुम, मैं व्यूअर्स मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आज बना रही हूँ ये फ्रूट जूस। ये देखें, ये एप्पल है जिसमें 50% जो है ना पानी होता है, बाकी ए बी सी सारे वाइटामिन होते हैं। बनाना है जो सूखापन की बीमारी को दूर करते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसे सुबह में खाना चाहिए। अंगूर है जो हमारे दिमाग को जो है और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये है आखिर में हमारे पास सेब जो हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। इसमें आयरन होता है, विटामिन सी भी होती है। ये डेट्स हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत स्पीड से कम करती हैं, इसलिए ये खजूर भी लेना चाहिए हमें। इसलिए न्यूट्रिशियस से भरपूर ये मैं जूस बना रही हूँ। वो लोग जो डाइटिंग करते हैं ना, उनके लिए तमाम चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये केला है जो हेमोग्लोबिन सही करता है, इंसान का सूखेपन की बीमारी जो है वो दूर करता है। ये चारों चीज़ों को मैंने, आप चाहें तो इसको अलग अलग खा लें, चाहें तो इसको जूस बना लें जो डाइटिंग पर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये है मिल्क, जो को आपको पता है दिमाग के लिए सेहतमंद है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया भी, अब मैं इसका शेक बना रही हूँ। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, ना ही शक्कर डाली है, ताकि आप लोग इसको आराम से पी सकें। ये देखिए थिक सा मैंने जूस बनाया, आप चाहें तो इसमें पानी भी मकदार ज़्यादा कर लें। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में ये दुआ बता रही हूँ, अल्लाह आज ही मिनन्नार, इसका तर्जुमा है अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा। व्यूअर्स ये सुबह और शाम साथ साथ मरतबा पढ़ें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबके खानों में बरकत दे।